गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस हमारा वीडियो यहाँ इम्प्रूवमेंट टूल तक फिनिश हुआ था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगी यार, जो चैनल फर्स्ट व्यूअर्स हो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, ये तो पता चल ही जाते कि न्यू व्यूअर्स हो और फिर भी आप लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते हो। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हम अपनी वीडियो में बढ़ते आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये फोर्थ वाली स्टेज होने वाली है, जो जिसको ब्रॉन्ज स्टेट एज के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो टाइम है वो 4000 BC टू 2000 BC तक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सो इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। यूज टू स्टोन एंड कॉपर टूल्स कॉल्ड कैलोकोलिथिक एज। मैंने इसलिए आपको धीरे से बताया कि कभी कभी ना जल्दी जल्दी पढ़ने में ही दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज अ ट्रांजिशनल स्टेज फॉर मैन फ्रॉम द स्टोन एज टू मेटल एज। मीन्स इसमें स्टोन एज से कन्वर्टेड, मीन्स जिससे यहाँ पे आपका पुराना एज चल रहा है, न्यूलिथिक वाली आपकी एज है और ये सबसे लास्ट स्टेज है। तो ऐसे क्रॉस करोगे ना आप, ऐसे धीरे धीरे आओगे, एकदम से तो वहाँ नहीं जाओगे। फिर जब वो जो प्रोसेस हुई है, स्टोन एज यहाँ है, यहाँ पर आपकी मेटल स्टेज आ गई है, ठीक है। तो हमारी सिर्फ इस वाली स्टेज में, ब्रॉन्ज स्टेज में सिर्फ आपको ये बताया गया, ठीक है। अब इसमें डिस्कवरी ऑफ मेटल्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डिस्कवर किया था वो कौन सा मेटल था, जो कि कॉपर था, ठीक है। आपको अंडरलाइन भी है, आप चाहो तो ऐसे ही सेम बनाना नोट, ठीक है। द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय द मैन वाज कॉपर। ही फाउंड दैट कॉपर वाज अ सॉफ्ट मेटल, वुड नॉट लास्ट लॉन्ग फॉर, ठीक है। सो ही मिक्स्ड कॉपर विथ अदर मेटल सच एज टिन, जिंक टू मेक अ न्यू मेटल एंड एलॉय कॉल्ड ब्रॉन्ज, ठीक है। जो आजकल ज्वेलरीज में देखते हैं ना, एकदम लाइट वेटेड वाली, शायद ये वही है, ठीक है। काफ़ी सारे मेटल्स को मिलाकर बनता है, क्योंकि इसमें बताया ना कॉपर बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसमें उन लोगों ने क्या सोचा कि कुछ और मेटल्स ऐड कर देते हैं जिससे लास्ट लॉन्ग हो जाए और थोड़ा मतलब इतना तो हो जाए कि भाई उसको कुछ रख सकते हैं, पहन सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या मिक्सिंग हुआ, टिन हुआ, जिंक हुआ, टू मेक अ न्यू मेटल, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट में आता है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे है ना, हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने पहले ड्रेस पहनी तो ठीक, मतलब कैसे ड्रेस आई, कैसे वहाँ के कल्चर में आया, फिर एग्रीकल्चर कैसे हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसे वहाँ के परम्परा या कल्टिवेशन में आए, ठीक है, सिविलाइजेशन में आए, फिर ये याद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपन से रिलेटेड करके ही वहाँ पर सोचना है कि आज जो हमारे पास है वो वहाँ पर पहले नहीं था। कुछ ऐसे माइंड में कॉन्सेप्ट बना के रहोगे ना तो हो जाएगा, जैसे मैंने किया था सेम वैसे ही करना, ठीक है। जैसे क्योंकि मुझे भी इस चीज़ पर समझ में नहीं आती, अब ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में क्या दिया गया। तो एग्रीकल्चर वॉज स्टिल द चीफ ऑक्यूपेशन बिसाइड्स वीट एंड राइस। ही ग्रो अ वैरायटी ऑफ पल्सेस, मिल्स, कॉटन एक्सेट्रा। ही डोमेस्टिकेटेड काउ, शीप्स, गॉड्स, पिग, बफेलो एंड हंटेड डियर, ठीक है। उन्होंने जब खेती स्टार्ट करी ना, तो ज़्यादा नहीं उन्होंने उगाना चालू किया था। देखो वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, और इतने ही वैरायटी के ये लोग सिर्फ उगा पाते थे, यही खा पाते थे, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगी, जब यहाँ पे ऑक्यूपेशन का टाइम आता है ना, तो वो लोग मीट, नॉनवेज भी खाते थे, बट वो लोग रोज़ नहीं खाते थे, वो भगवान की पूजा भी करते थे। वो मैंने आपको बताया थर्ड स्टेज में कब भगवान की पूजा करते थे, और वो भगवान अभी वहाँ पर शिव जी, पार्वती जी ऐसे कुछ भी नहीं आता था। तो वहाँ पे वो लोग मून की पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे, अर्थक्वेक की पूजा करते थे, मतलब ऐसा होता था, ठीक है। वहाँ पे भगवान जी अभी नाम का कोई चीज़ नहीं है। फिर धीरे धीरे करके भगवान जी ने दर्शन दिए, ऐसे हुआ होगा तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैन एंड वुमेन्स दोनों एक साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट एंड ब्यूटिफुल गारमेंट्स, ठीक है। अ वुमेन वॉर नेकलेस ऑफ शेल्स पर्ल्स, यहाँ पे सारे चीज़ें बताई गई हैं जिससे जो उनके ज्वेलरीज बनती थी, सेल्स आई होप सो, जो समुद्र में मोतियों का ऊपर जो शेल होता है वो होता है, और जो उसके अंदर पर्ल्स निकलते थे वो होता था, ठीक है। यहाँ पे बोन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, काफ़ी यहाँ पे ये भी बताया, मतलब यहाँ पे मेटल से भी यहाँ पे बनाए जाते थे, बट यहाँ पे जो समुद्र से या पानी से जो भी निकलता था ना, उनसे भी बनाए जाते थे, ठीक है। और जो मैन होते थे वो फाइन एंड ब्यूटीफुल गारमेंट्स पहनते थे, वो ईयरिंग्स भी पहनते थे और नेकलेस भी पहनते थे, बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे ऐसे ही सेम कल्चर था। सो गाइस अब हम आर्ट एंड क्राफ्ट में जाते हैं। तो आर्ट मीन्स जो हाथ से बनाए वाली पेंटिंग्स होती हैं, उनको आर्ट बोलते हैं, और
मतलब आर्ट भी कई टाइप की होती है, ठीक है पहले तो। और यहाँ पे जो क्राफ्ट की बात की गई है, जो हाथ से बना हुआ चीज़ें होती, जो रॉ मटेरियल्स को हाथ से अरेंज किया जाता है, उसको क्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे वॉज एन एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ एंड अ गोल्ड क्राफ्टमैन ऑफ स्टोन, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का काम होता था, गोल्ड के क्राफ्टमैन्स होते थे जो कि स्टोन में वर्क करते थे, ठीक है। द आर्ट ऑफ स्पिनिंग वीविंग बिकॉज स्पिंडल वूल्स हैव बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो आर्ट एंड क्राफ्ट पाई गई हैं, ठीक है, जो उनके साक्ष्य मीन्स जो साक्ष प्रूफ जिनको बोलते हैं, तो वो हमारे एमपी स्टेट में पाए गए ना, तो इसके बिहाफ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिलीजियस बिहाफ कर सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो पुराने लोग होते थे वो पूजा कैसे किसकी करते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो भगवान जी का कोई नाम नहीं था, तो ये भी देख लेते। विश वर्शिप सॉरी ही वर्शिप द सन फायर ट्रीज वुल एंड स्नेक। सन को तो आज भी हम पूजा करते हैं, चंद्रमा को हम आज भी पूजा करते हैं, फायर अग्नि देवता की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, बुल की तो आज भी, स्नेक की भी, मतलब ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है। तो मीन्स आप ये देख सकते हो ये सब चीज़ों की हम पूजा आज भी करते हैं, ठीक है। सम फिगर ऑफ वुमेन इंडिकेट डेट ही वर्शिप द मदर गॉडेस ऑल्सो, मतलब यहाँ पे कुछ जैसे इनकी तो पूजा होती ही थी, मुझे वहाँ पे ऐसे इंडिकेट्स मिले हैं जैसे कि जिसमें लेडीज़ या औरत का भी, जैसे यहाँ पे देवी जी बोला जाता है, काली माता ऐसे, तो जैसे वो गॉडेस हो गई तो उनकी भी पूजा शायद तब से ही की जाती है, यहाँ पे तभी लिखा गया है, ठीक है। अब सोशल इनइक्वालिटीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सोसाइटी के अंदर पे इनइक्वालिटी देखा जाता है कि वो रिच हैं पुअर हैं, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नाउ रिच एंड पुअर पीपल इन द सोसाइटी, द चिल्ड्रन ऑफ द रिच वर बरीड, मतलब उनको दफनाया जाता था अलोंग विथ कॉपर बीड नेकलेस, ठीक है। मतलब जब उनको दफनाया जाता, जब वो मर जाते थे, तो अभी इस टाइम पे जब अभी 21st सेंचुरी में जब उनको दफनाया जाता है तो उनके संग कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है। बट पहले के टाइम पे जब उनको दफनाया जाता था तो उनके लिए नेकलेस रखा जाता था, खाने पीने के सामान भी रखे जाते थे, और जो पुअर पीपल्स के बच्चे होते जो मर जाते थे, ठीक है, उनके लिए जो कब्रें होती थी, ठीक है, जो पुअर के बच्चे होते जो मर जाते थे उनके साथ ईस्टर्न पोर्ट सॉरी पोस्ट सिर्फ दफनाए जाते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे। पैसे तो शायद पहले होते ही नहीं होंगे, सिर्फ मेटल स्टोन के हिसाब से वहाँ का व्यापार चलता होगा, ठीक है। तो और इसमें मनुष्य के नए नए तरीके देखने की जो रुचि रही होगी, खोजने की कोशिश की है, जिससे उसका जीवन जो आरामदायक हो गया, ठीक है। एक कमी थी कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक है। यह कला भी जब सीखी जब शहर में रहने के लिए निर्माण किया गया। अब निर्माण कैसे हुआ था ये भी आपको पता है कि जब बहुत सारे लोग उन्होंने सोचा कि साथ में रहते हैं, दूर दूर न रह के साथ में रहते हैं, तो ऐसे एक शहर का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद शहर शहर उद्योग केंद्र बन गए, ऐसे में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का बिजनेस बड़ा हुआ, या मतलब वो ऑप्टेन हुआ ऐसे। सो गाइस, हमारे इस वाले वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें साइट्स ऑफ टूल्स मींस हथियार एंड वेपन्स मींस उपकरण, ठीक है, बताए गए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा द फोर सिटीज, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, मतलब ऐसे ऐसे फेमस नाम जो आपने सुने होंगे, जो कि आज अपने इंडिया में कम पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, पार्टीशन के टाइम पर वहाँ पर चले गए थे, ठीक है। देख लेते हैं आहर इन राजस्थान, दमाइदाबाद इन महाराष्ट्र, ईरान इन एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, ब्रह्मगिरी नियर कर्नाटका, वेयर कॉपर जो कि तांबे और सॉरी एंड ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसे फाउंडेड, मतलब यहाँ राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में ब्रॉन्ज की चीज़ें और कांसे के चीज़ें, बर्तन, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली थी जब वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी खुदाई वदाई जो भी किया था। ऑल्सो फाउंड इन गंगा यमुना, ठीक है, इन साउथर्न डेक्कन, मतलब इन वाली नदियों में आपने सुना होगा, अभी मैंने वीडियो प्रीवियस वीडियो बताया होगा कि गंगा और यमुना में जो आर्यंस थे, जो वहाँ पे लैंड वाली जगह है, ऐसे तो है नहीं है गंगा मतलब सिर्फ पानी पानी बह रहा, उसके आजू बाजू जो लैंड है वहाँ पे आर्यंस पहले रहा करते थे, ठीक है। तो हो सकता उन्होंने ऐसे बर्तन या सामान यूज़ किए हों तांबे के और कांसे के, तो वहाँ पे ऐसे पाए गए, ठीक है। अब हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और गए किसी को भी कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट कर देना आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आंसर देने में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट एड्रेस होने वाला है सिटीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।